देखिए, बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। निवेशक मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आना चाहते? शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने हाई फाई कई इन्वेस्टर मीट के आयोजन किए। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव कर्नाटक गए हैं, बेंगलोर गए हैं, वहां निवेशकों से उन्हें कहना पड़ा आप कर्नाटक से भी जुड़े रहें और मध्य प्रदेश में भी निवेश करें। मध्य प्रदेश निवेश की दृष्टि से बहुत अच्छा स्थान है। मुख्यमंत्री तो कहते हैं मध्य प्रदेश अच्छा स्थान है, मगर यह बात निवेशक क्यों नहीं समझ रहे हैं? सरकार को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा, सच जानना होगा, फिर उसके समाधान भी करने होंगे। आखिर लोग मध्य प्रदेश ही नहीं देश से बाहर जा रहे हैं, पूंजीपति लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आखिर यहाँ इन्वेस्ट करने क्यों नहीं आते? इस विषय को गंभीरता से विचार करना होगा। बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कई सारे लोग पहले से ही काम कर रहे हैं, जिनका यहाँ भी काम है वहाँ भी काम है, और कई सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ से अपने गुड्स बना करके वहाँ सप्लाई करती है, तो उनको भी स्थान देना और भविष्य की दृष्टि से अलग अलग क्षेत्रों में खास करके आईटी सेक्टर से लगा करके एनर्जी, माइनिंग, ऐसे कई सेक्टर जिसमें बड़ी संभावना है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि कल से आज तक मैं कई सारे अलग अलग निवेशकों से मिला हूँ, उद्योगपतियों से मिला हूँ और सर्विस सेक्टर के लोगों से मिला हूँ। सब ने बहुत उत्साह दिखाया है, सरकार सब तरह से मदद करने को तैयार है। हम सब मिलकर के बेंगलोर को, कर्नाटक को भी आगे बढ़ाएं और मध्य प्रदेश को भी आगे बढ़ाएं। ये मिलजुल करके व्यापार व्यवसाय के नए मार्ग खोलने के लिए मैं आया हूँ, तो मुझे संतोष है लगातार सभी प्रकार के लोगों ने इसमें उत्साह दिखाया। सर, आपने तेजस को बहुत करीब से देखा, एचएएल का दौरा किया आपने, क्या मध्य प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने के प्लान्स? उनके प्रस्ताव आ रहे हैं, उस पर भी, उनके अलावा भी बाकी और सेक्टर के लोग भी काफी बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में निवेश करने को तैयार है। इसी महीने 28 तारीख को हमारे रीजनल कॉन्क्लेव ग्वालियर में होने वाली है, वहां भी मैं आने के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आने वाली फरवरी में इंटरनेशनल कॉन्क्लेव होने वाली है। कुल मिलाकर के निवेश के लिए लगातार माहौल बन रहा है। मैं पिछले महीने कोयम्बटूर गया था, उसके अलावा मुंबई गया था, पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हम दौरा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर बात भी कर रहे हैं। हर जगह से अनुकूल प्रस्ताव आ रहे हैं। सर, हम जो है दक्षिण के अगर शहरों की बात करें, जैसे हैदराबाद से शहर है, आईटी से लगातार जो है काफी कंपनीज जो वहां पर इन्वेस्ट कर रही है, मध्य प्रदेश में क्या ऐसा देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में स्टार्टअप सिटी और आईटी सिटी जैसी कोई शहर जो है वो देखने को मिले? निश्चित रूप से इसकी संभावना पूरी है और हम ये आश्वस्त कर रहे हैं कि जैसे मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे हैं, लाइन रोड की कोई परेशानी नहीं है, एनर्जी हमारी सरप्लस है, बहुत संभावना जिसमें इस सारी अनुकूलता जिसके भरोसे से वो भविष्य में इसी प्रकार से आगे बढ़े, ऐसे मध्य प्रदेश को इसी संभावना को लेकर आए।